हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना एक, ये था 3 kg, ये था 2 kg, यहां फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था, पॉइंट यहां था 0.5 और यहां कितना था 0.3, ऐसा ही कुछ था। और यहां था एक लिया था हमने 10 kg, 20 kg, यहां म्यू लिया था 0.4 और यहां लिया था म्यू 0.1 और यहां फोर्स लगा रहे थे हम 10, 30, 50 न्यूटन और यहां फोर्स लगा रहे थे 10, 40, 50 न्यूटन। तो इसमें हम कह रहे थे कि एक साथ मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स कितनी आ रही थी, 30 न्यूटन, और वो कैसे निकाल रहे थे हम कि भाई इस पे मैक्सिमम फोर्स इतनी है कि, लेकिन ये वाली इतनी की, तो ये तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन था ना इसका, और ये दोनों किससे मूव करेंगे, पॉइंट कितनी फोर्स लगाए कि ये एक साथ मूव करें, वो था 30 न्यूटन। अगर हम उसको चेक करें तो मिनिमम कितना फोर्स था कि इसमें मोशन आ जाए, 30 न्यूटन था, एक साथ मूव कर रहे थे ना ये, तो मिनिमम कितना करें 30 न्यूटन, और मैक्सिमम कितनी फोर्स लगा सकते हैं कि एक साथ मूव करें, वो आया था 45 न्यूटन। तो 45 न्यूटन और 30 न्यूटन थे। लेकिन अगर इस केस में जो हमने इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाली थी, ए मैक्स हमने निकाली थी ना, कितनी आई, कैसे निकाली थी, यहां पर एक्ट किया था म्यू एम जी, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे आएगी, यहां जो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करे कितनी, म्यू एम जी 0.4 एन कितना 10 × 10 और माइनस, फिर यहां भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रिक्शन एक्ट करे तो 0.1 30 × g 10 और अपॉन 20, तो ये कितना आया 40 − 30/20, ये आया 1/2 m/s². लेकिन अगर ये, तो ये ए मैक्स कितना हाफ हो सकता है इसका, दोनों जो है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हाफ हो सकता है, इसका मतलब इन दोनों का एक साथ मूव करने का एक्सेलरेशन भी हाफ ही है, और वो एफ क्रिटिकल हम निकाल लिया था। लेकिन अगर मान लो इसको मैं 0.2 कर दूं तो ए मैक्स क्या आएगा, तब ये चीज कितनी हो जाएगी 20 और ये 30 रही और अपॉन 20, तो ये नेगेटिव होगी, लेस देन जीरो होगी, तो इधर तो ये मूव ही नहीं कर सकता, फोर्स ऐसे लग रही है, फ्रिक्शन इधर थोड़ा ना मूव कर जाएगा, तो इसका मतलब ये कभी मूव ही नहीं करेगा, वॉट एवर बी द फोर्स, कितनी भी ज्यादा फोर्स लगा लो, 90, 100 कितनी भी लगा लो, इंफाइनाइट फोर्स भी लगा लो, तो भी ये मूव नहीं करेगा। तो इस केस में वेन अगर ये 0.2 है तो हमेशा इसमें एफ मोशन आएगा, और एफ कितना भी एफ हो ये तो मूव ही नहीं करेगा, ये रेस्ट पे रहेगा, तो इस पे सिर्फ यहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, फॉर एवरी एफ किसी भी एफ के लिए यहां कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फॉर एवरी एफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, एवरी एफ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा, जब ये म्यू एम जी से ज्यादा फोर्स लगेगी, म्यू एम जी 0.2 × m × 10, तो 20 न्यूटन से जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे, 20 न्यूटन तक तो यहां स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जैसे मान लो 1 न्यूटन लगाई तो पीछे भी 1 लग जाएगी, रेस्ट पर रहेंगे, फिर 2 लगाई तो पीछे भी 2, 20 न्यूटन तक 20 न्यूटन पीछे मैक्सिमम लग जाएगी, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आया। लेकिन जैसे ही 20 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन बंद हो जाएगा लगना और स्लाइडिंग होगी, स्लिपिंग होगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और वो कितना होगा 20 न्यूटन। फॉर एनी एफ ग्रेटर देन 20 न्यूटन ऑलवेज काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा कितना 20 न्यूटन, 30, 40 कुछ भी लगाओ 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स यहां काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कितनी है यहां पर 20 न्यूटन। अच्छा 20 से कम लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और जितनी फोर्स लगाई है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम यहां नहीं होती, ये प्रॉब्लम कब होती है,
ये कब कितना भी इंफिनाइट फोर्स लगाओ ये मूव ही नहीं करेगा। ऐसा कब होगा? जब ये स्टेटिक, ये जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम वैल्यू इस फ्रिक्शन की, इससे ज्यादा हो। क्योंकि कितनी भी लगाओगे इसमें तो एक कंस्ट्रेंट है ना कि मैक्सिमम म्यू एस एन आ सकती है, ये आ सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो यहां फ्रिक्शन आ ही नहीं सकती कितनी भी फोर्स लगाओ। तो इससे ज्यादा आनी, ये तो मैक्सिमम इतनी रहेगी, और ये वैल्यू जो मैक्सिमम है ये इससे ज्यादा है। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो ये मूव कभी कर ही नहीं सकता। इसकी वैल्यू मान लो मैक्सिमम है 10 और इसकी मैक्सिमम है 12, तो ये 10 लगेगा तो ये भी तो स्टेटिक फ्रिक्शन 10 लग के इसको मूव ही नहीं करने लगेगा, और ये 10 से ज्यादा कभी लग नहीं सकती, और इसके पास अवेलेबल 12 है तो हमेशा ये इसको कवर कर लेगा, तो ये कभी मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां कम अवेलेबल है यहां से, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, तो ये मूव कर रहा था, ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आती कभी। अब इसमें देखो यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी है, म्यू इंटू एम जी 5 इंटू जी 10, तो 15 न्यूटन है। और यहां मैक्सिमम कितनी थी, एफ मैक्स 0.5 इंटू 2 इंटू 10, तो 10 न्यूटन। यहां पर ये ज्यादा ही थी, इससे यहां ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोई इश्यू नहीं हुआ। ये तो हमेशा इस फोर्स से ज्यादा होगा तो ये मूव करेगा, लेकिन जब फोर्स हम इस पर लगा देंगे तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इससे ज्यादा होना चाहिए, तब मूवमेंट आएगी, नहीं तो इसकी कभी मूवमेंट नहीं आएगी। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती जब फोर्स नीचे वाले पर लगाते हैं, चाहे इसकी फ्रिक्शन ज्यादा हो मैक्सिमम, चाहे यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा हो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मूव करेगा एज लॉन्ग एज इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाओगे। लेकिन जैसे ही फोर्स ऊपर वाले पे लगाएंगे तो फिर ये तभी मूव कर सकता है 3 kg ब्लॉक, जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन ग्रेटर हो इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से।